नमस्कार, मैं सीमा मलकानिया। मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए ब्रेड चमचम, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ब्रेड चमचम। ब्रेड चमचम बनाने के लिए मैंने ये वाइट ब्रेड ली है, जिसको अभी हम थोड़ा राउंड शेप में काट लेंगे, और आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको कैसे काटना है। ये इस तरीके से ब्रेड लेके, और उसमें ये इस तरह से मैंने ये गिलास लिया है। आप कटोरी, जो भी आपके पास कुछ भी राउंड शेप का जो भी हो, आप उसको ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से ब्रेड पे रख के हम ऐसे इसको काट लेंगे, और ये हमारी ब्रेड जो है इस तरह से कट गई है। तो ऐसे ही हम और ब्रेड भी काट लेंगे। फ्रेंड्स, अब ब्रेड हमने काट ली है, और इस तरह से मैंने ये काफ़ी सारी काट के रख ली हैं, 10-12 ब्रेड जो हैं वो काट के रख ली हैं। और ये जो हमारी ब्रेड बची है, इसको फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की होती है। इससे हम ये इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इसको सुखा के, या फिर हम कटलेट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है, तो आप इसको फेंकें ना और इसको यूज़ करें। फ्रेंड्स, अब चमचम बनाने के लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये 1 कप जो है चीनी ली है, और इतना ही हम इसमें पानी लेंगे। ये 1 कप चीनी है, और ये 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसकी चाशनी जो है, ये बहुत गाढ़ी नहीं बनानी हमने, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसको सिर्फ चीनी पिघलने तक और एक उबाल आने तक ही इसको पकाना है। बस थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए, इतनी ही ये बनानी है। जितना हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, बस उतना ही इसको गाढ़ा करना है। ये इसकी चाशनी जो है, अब ये तैयार हो चुकी है, उबलने लग गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अगली तैयारी करते हैं। अब चमचम की स्टफिंग के लिए हमें मावा तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, और ये हाफ कप से कम दूध है, और 1 चम्मच घी है, और ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है, इसकी जगह आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये 1 चम्मच चीनी है। अब सबसे पहले हम ये मिल्क पाउडर डालेंगे, और अभी गैस ऑन नहीं करेंगे, इसको हम पहले ऐसे ही मिला के रखेंगे। और इसमें ये मैं मिल्क डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी चीनी। अब इसको हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, अभी गैस ऑन नहीं करेंगे, पहले अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, फिर बाद में गैस ऑन करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, और इसको अब थोड़ी देर तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, जो चीनी डाली है वो भी, और इसको अच्छा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। आप चाहें तो मावा जो है वो मार्केट का भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये मावा जो है हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और ये कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। तो जो मैंने घी रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मावा हमारा तैयार हो चुका है, और अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये चमचम जो है मैं ट्राई कलर की बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है। ये चाशनी जो है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और ये
एक मैं ग्रीन कलर मिलाऊंगी और एक में ऑरेंज कलर मिलाऊंगी और एक को बिल्कुल प्लेन ही रखूंगी। तो इसमें मैं ये मिला रही हूँ। और ऐसे ही मैं ग्रीन कलर भी दूसरे में मिक्स कर लूँ। चमचम को कोट करने के लिए मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है, तो इसको भी मैं तीन कलर में रखूँगी। ये दो कलर में, एक में ऑरेंज कर लूँगी और एक में ग्रीन कलर कर लूँगी और एक को मैं वाइट रखूँगी। तो इसमें मैं ऑरेंज कलर मिला रही हूँ। और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच पानी जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से ऐसे घोल के, और इसको हाथ से ऐसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कलर जो है वो सारे नारियल में एक जैसा हो जाए। फ्रेंड्स, अब कलर जो है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो ऐसे ही मैं ग्रीन कलर भी मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मावा हमारा ठंडा हो गया है और इसकी स्टफिंग अब हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा, ये ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखा है, इसमें काजू बादाम और पिस्ता है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब चमचम हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो जो ये हमने ब्रेड काट के रखी हुई है, इसको हम ऐसे इस चटनी में ऐसे डिप करेंगे और इसको हमने बहुत देर तक इसमें डिप नहीं करना है। ऐसे दो पीस जो हैं एक साथ लेके इसमें डिप करेंगे। और इसको इस तरीके से हाथ पे लेके, ये एक के ऊपर हम जो हमने मावा रखा है उसकी हम स्टफिंग करेंगे और दूसरे को ऊपर से रख के इसको अच्छी तरह से हम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसको अब हमने जो ये नारियल, जो डेसिकेटेड नारियल रखा है, इसमें इस तरीके से अब हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये हमारा ऐसे बन गया है, ऐसे ही हम बाकी कलर के भी बना के रख लेते हैं। ब्रेड चमचम हमारी तैयार है और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी चमचम बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।